बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज लारे अहमद। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो हमारे पास आउटलाइंस है, फर्स्ट जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स, स्टेप्स, प्राइमर डिजाइन, पीसीआर टाइप्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रबल शूटिंग, कंक्लूजन। ये हमारे पास आउटलाइंस है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फर्स्ट जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन पीसीआर की, हमारे पास डिफिनेशन क्या है। पीसीआर इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। पीसीआर जो है हमारे पास लेबोरेटरी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के एम्पलीफिकेशन के लिए। इन्वेंशन, इसको डिवेलप किया था, डिवेल्प बाय केरीमोलस इन 1983। डिवेलप किया था केरीमोलस ने 1983 में। इम्पोर्टेंस, रिवोल्यूशनाइज मलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक रिसर्च। पीसीआर ने क्या किया है, उसने मलिकुलर बायो, जितने भी फील्ड है मेडिकल के, मसलन मलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च, इसको एडवांस किया है। सेकंड जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है, पीसीआर हैज एनेबल द डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, फॉरेंसिक एनालिसिस एंड द स्टडी ऑफ एंशिएंट डीएनए। पीसीआर ने क्या किया है, इसने जेनेटिक डिजीज, फॉरेंसिक्स एनालिसिस और द स्टडी ऑफ एंशिएंट डीएनए, इसके डिटेक्शन और एनालिसिस को एनेबल किया है। इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन पे इसका पीसीआर का प्रिंसिपल बेस्ड करता है। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव साइकिल ऑफ डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। इन्वॉल्व, ये रिपीटेड साइकिल में इन्वॉल्व है, केसेस की साइकिल, डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है, यूज टर्म थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, फेक पॉलीमरेज। इसमें हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है जो थर्मस इक्विटिकल से आया है। फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट है, पीसीआर एनेबल द जेनरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पीसीआर क्या करता है, पीसीआर एनेबल करता है, मतलब पीसीआर से हम मिलियन ऑफ कॉपी जेनरेट करते हैं एक टारगेटेड सीक्वेंस के, और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आगे जो हमारे पास इसके हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या है, डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट के जरिए हम डीएनए सीक्वेंस की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की एम्प्लीफिकेशन। प्राइमर, इसमें हमारे पास प्राइमर यूज होते हैं, फॉरवर्ड इनवर्स प्राइमर, तो मतलब एक्सटेंशन के लिए हम ये यूज करते हैं। तीसरे जो हमारे पास पॉइंट्स है, इसमें हम डी एंड डीपीज यूज होते हैं, मतलब डी एटीपी, डी सीटीपी, डी जीडीपी, डी टीटीपी। डी एंड डीपीज स्टैंड फॉर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और डीटीपी डी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी डीऑक्सीगुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डी ऑक्सीथायमिन ट्राइफॉस्फेट। फोर जो हमारे पास पॉइंट है, टेक पॉलीमराइज, अभी जो हमने पढ़ा थर्मोसिक्विटिकल से है, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, सॉरी कंपोनेंट्स है पीसीआर के। आगे जो हमारे पास स्टेप्स है, वो स्टेप्स हमारे पास इसके हमारे पास तीन स्टेप है, डिनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डिनेचरेशन का जो टेम्परेचर है 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वर्क करता है। इसका जो टाइम है हमारे पास 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम है। एनीलिंग सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास एनीलिंग है, वो किस टेम्परेचर पे वर्क करता है, 50 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका जो हमारे पास टाइम है 30 सेकेंड to 1 मिनट। और थर्ड जो स्टेप है एक्सटेंशन, वो हमारे पास वर्क करता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वर्क करता है, और इसका जो हमारे पास टाइम है 30 सेकेंड to 1 मिनट। टाइम हमारे पास सेम है। डिनेचुरेशन में हमने पहले देखा कि 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर हमने टेम्परेचर को थोड़ा कम किया है एनीलिंग के लिए, फिर थर्ड स्टेप के लिए थोड़ा हमने टेम्परेचर फिर बढ़ा दिया है ताकि हमारे पास एक्सटेंशन हो सके, एम्पलीफाई हो सके। फिर हम इन स्टेप्स को रिपीट करते हैं, स्टेप को रिपीट करते हैं, 2 से 4 बार हम इसको रिपीट करते हैं। कितने साइकिल के लिए रिपीट करते हैं, 20 से लेकर 40 साइकिल्स के लिए हम इसको रिपीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्राइमर डिजाइन, प्राइमर हम किस तरह डिजाइन करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी।
ये हमारे पास शुड बी 18 to 24 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ये हमारे पास 18 to 24 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होना चाहिए। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है, शुड हैव मेल्टिंग टेम्परेचर टीम क्लोज टू द एनीलिंग टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, मतलब एनीलिंग टेम्परेचर से के क्लोज होना चाहिए। शुड हैव अ जीसी कॉन्टेंट ऑफ 40 to 60% टू इंश्योर ऑप्टिमल बाइंडिंग, इसका जीसी कंटेंट होना भी बहुत जरूरी है, मतलब गुआनिन साइटोसिन का एक सीक्वेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए 40 to 60% ताकि हम ऑप्टिमल बाइंडिंग कर सकें। इसके बाद हमारे पास क्या है, पीसीआर के टाइप, डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, फर्स्ट जो है कन्वेंशन पीसीआर, सेकंड जो है रियल टाइम पीसीआर, इसको हम क्यू पीसीआर भी बोलते हैं, थर्ड जो हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, आरटीपीसीआर हम इसको बोलते हैं, और फोर्थ जो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशंस, ये डीएनए क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई भी डीएनए ले लो उसकी क्लोनिंग करने के लिए हम इस पीसीआर को यूज करते हैं, और पीसीआर हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफरेंट फील्ड में यूज होता है ये। फॉरेंसिक एनालिसिस, मतलब कोई हमारे पास क्राइम हुआ है, क्राइम सीन है, उससे हमने डीएनए सैंपल उठाया, फॉरेंसिक एनालिसिस में हम इसको यूज करते हैं पीसीआर, और डिजीज कोई भी डिजीज होना उसके लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज करते हैं पीसीआर को। इसके बाद हमारे पास क्या है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस हमारे पास इसके क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत हाई है, और ये हमारे पास रैपिड रिजल्ट प्रोवाइड करता है, रिजल्ट जल्दी देता है, कैन एम्पलीफाई रेयर और डिग्रेड डीएनए सैंपल्स, ये हमारे पास छोटी सी छोटी और मतलब खराब से खराब डीएनए सैंपल्स को भी एम्पलीफाई करता है, अलाउ फॉर द एनालिसिस ऑफ स्मॉल डीएनए सैंपल्स मेकिंग इट यूजफुल फॉर फॉरेंसिक एंड एंशियंट डीएनए एनालिसिस, ये क्या करता है, अलाउ करता है स्मॉल डीएनए सैंपल्स के एनालिसिस को, और उसको यूजफुल बनाता है फॉरेंसिक और एंशियंट डीएनए एनालिसिस के लिए। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारे पास, एनेबल द डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन एंड वेरिएशन, ये जेनेटिक म्यूटेशन एंड वेरिएशन को के डिटेक्शन को एनेबल करता है, और फैसिलिटेटिंग जेनेटिक डायग्नोसिस एंड रिसर्च, फैसिलिटेट करता है जेनेटिक डायग्नोसिस एंड रिसर्च को। इसके बाद हमारे पास क्या है लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड रिएजेंट, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है कैन बी प्रोन टू कंडेमनेशन एंड एरर, मतलब इसके लिए प्रोफेशनल बंदे की जरूरत होती है, मतलब ये सही स्टेप्स वगैरह सही से ना करो, परफॉर्म ना करो, छोटी सी छोटी गलती भी मतलब एरर आ सकते हैं, छोटी सी छोटी गलती से भी एरर आ सकते हैं। मे नॉट वर्क वेल विथ कम्प्लेक्स और लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या, ये वर्क नहीं करता जब हमारे पास कम्प्लेक्स या लार्ज डीएनए सीक्वेंस हो, ये वर्क नहीं करता। कैन बी इफेक्टेड बाई इनहिबिटर एंड द डीएनए सैंपल्स, ये डीएनए सैंपल में हमारे पास डिफरेंट इनहिबिटर्स होते हैं प्रेजेंट, उससे ये इफेक्ट हो सकता है, कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, साल्ट हो गया, ह्यूमिक एसिड और कोई भी अदर कंटेमिनेंट्स, उससे ये इफेक्ट होता है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है प्राइमर कंसल्टेशन एंड डिजाइन, सेकेंड जो हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड कंसंट्रेशन, एनीलिंग टेम्परेचर एंड टाइम, एनीलिंग टेम्परेचर सही ना हो या टाइम सही ना हो फिर भी ये हमारे पास खराब हो सकता है, मतलब सही काम नहीं करता, साइकिल नंबर एंड ड्यूरेशन, मतलब साइकिल नंबर हम सही नहीं या ड्यूरेशन सही नहीं दे ये खराब हो सकता है। ट्रबल शूटिंग, हमारे पास कौन कौन से खराबी आ सकती है इसमें, एम्प्लीफिकेशन, हमारे पास एम्प्लीफिकेशन सही से ना दे हमारे पास पीसीआर खराब हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो फिर भी हमारे पास पीसीआर में कोई गलती आ सकती है, प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन, इससे भी ट्रबल शूटिंग हो सकती है, कंटेमिनेशन आ गया उससे भी ट्रबल शूटिंग हो सकती है। कंक्लूजन, पीसीआर हैज रिवोल्यूशनाइज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक रिसर्च, पहले भी हमने पढ़ा पीसीआर ने क्या किया है, हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक फील्ड के जितने भी फील्ड्स हैं हमारे पास, इसको पीसीआर ने इसको एडवांस किया है, मतलब ये जितना टाइम गुजरता जा रहा है आगे आ रहा है हमारे पास, एडवांस होता जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग पीसीआर प्रिंसिपल ऑप्टिमाइजेशन इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट, पीसीआर की जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़े और ऑप्टिमाइजेशन जो हमने पढ़े,
ये हमारे पास क्या क्रूशियल है सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए, जरूरी है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है, कंटिन्यूसली एडवांसिंग एंड इम्प्रूविंग पीसीआर टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। मतलब अभी मैंने बात की, जितना हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है, पीसीआर हमारे पास पीसीआर के टेक्निक्स जो है हमारे पास इम्प्रूव होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। थैंक यू, यह हमारा आज का प्रेजेंटेशन था। अस्सलाम वालेकुम।